हेलो दोस्तों, शास्ता की कुकिंग चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं खस्ता क्रिस्पी और टेस्टी खारी, जिसके लिए हमने 2 कप मैदा ले लिया है और इसमें 1 कप भी हम और डालेंगे। ये देखिए, इसमें क्रश की हुई अजवाइन डालेंगे। क्रश करके डालने से इसका फ्लेवर और अच्छा आ जाता है। और इसमें हम 5-6 चम्मच तेल डालेंगे। ये देखिए, हमारा ये मांड अच्छे से तैयार हो गया है। अब इसको थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम गूंद लेंगे, एक सॉफ्ट सा डो बना लेंगे। इसमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती और घर पे झटपट से तैयार भी हो जाती है। अब इसको हम 4 भागों में करेंगे और हर लोइयों को, मतलब इसकी हम लोई बनाएंगे 4, और हर लोई को हम एकदम पतली सी बेल लेंगे। ये देखिए चिपक रही है। आप इसमें थोड़ा सा आटा लगा सकते हैं, हमने नहीं लगाया, हमने ऐसे ही इसकी मिलाई है। और इसमें हमने 1/2 चम्मच ले लिया है मैदा और 1/2 चम्मच इसमें ले लिया है कॉर्नफ्लोर और 1/2 चम्मच घी, और इसका एक ये बैटर बना लिया है। अब जो हमने रोटी बेल के रखी है, अब हम उस पर लगा देंगे, लगाते जाएंगे और परत बनाते जाएंगे। सारी रोटियों को हमने मिक्स कर लिया था और इसे एक पराठे का शेप दे दिया था। इस पे भी हम घी लगाते जाएंगे और इसको फोल्ड करते जाएंगे। जी देखिए, आप इसको, अगर आपके पास टाइम हो तो आप इसको 10 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए फ्रिज में भी रख सकते हैं। हमारे पास टाइम नहीं था तो हमने तुरंत ही इसको बेल लिया है। एक इसका, इसको हम एकदम पतला पतला सा बेलेंगे। अब इसको हम खारी का शेप दे देंगे। अगर आप लोग को हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। तेल को हमें मीडियम ही गरम करना है, तो तेल हमारा गरम हो चुका है मीडियम, और इसको हमें लो फ्लेम पे फ्राई करना है। तब हम एक एक करके डालते जाएंगे और इसको उलटते पलटते इसकी हम सिकाई कर लेंगे। जब ये ब्राउन हो जाएगा तो हम इसको निकाल लेंगे। देखिए कैसे फूल रही है। बारिश का मौसम हो और गरम गरम चाय और खारी हो, इसका मज़ा ही कुछ अलग है। हम लोग को तो बहुत अच्छी लगती है। अब आप लोग को अच्छी लगे तो प्लीज़ हमें कमेंट ज़रूर करिएगा। तो अभी हमने इसको निकाल लिया है, अभी जो बचे हुए हमारे पास रखे हुए हैं उनको भी हम फ्राई कर लेंगे। तो बचे हुए जो थे उसको भी हमने डाल दिया है, अब उनको हम फ्राई कर लेंगे। देखिए सब अलग अलग परतें दिख रही हैं। ये देखिए, ये भी फ्राई हो चुका है। अब इसको हम चाय के साथ सर्व करेंगे।